अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन विथ फ्राइड राइस। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे चिकन 200 ग्राम और उसमें हम लोग सॉल्ट डालेंगे हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हम 1 टेबल स्पून एंड सोया सॉस 2 टेबल स्पून। तो उसमें सोया सॉस डाल के फिर हम लोग कॉर्नफ्लोर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और उसको हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे 15 मिनट। यहाँ पर हम लोग ऑयल ले लेंगे, उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके हम उसमें चिकन डाल देंगे। ज़्यादा जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट को जलाना नहीं है, बहुत ब्राउन नहीं करना, और उसमें डायरेक्ट चिकन डाल के जो हमने मैरिनेट किया हुआ था वो इसके अंदर डाल के हम इसको ब्राउन कर लेंगे और एक डिश आउट कर लेंगे, हम इसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ले लेंगे पैन के अंदर ऑयल डाल के हम लोग 1 जो है ना प्याज ले लेंगे, 1 प्याज ले लेंगे और उसमें कैरेट डाल देंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे 1 कप। 1 कप जो है हम जो है गाजर ले लेंगे और 1 कप हम शिमला मिर्च ले लेंगे। सब्ज़ियाँ हमारी सॉटे हो चुकी हैं और इसमें हमने डाल दिए सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून और जो हमारी चिकन थी जो हमने फ्राई की हुई थी वो हमने इसमें डाल दी है, ऐड कर दी, उसको अच्छे से मिक्स किया। सोया सॉस डाल दिया 2 टेबल स्पून एंड चिली सॉस 2 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है हम इसमें जो है बॉइल्ड राइस डाल देंगे। मैंने चावलों को जो है ना बॉईल कर लिया था, 2 कप मैंने चावल डाल दिए। इसमें चिली सॉस डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, और सोया सॉस डाल दिया, वो भी ऑप्शनल है। चिली सॉस और सोया सॉस ऑप्शनल है। सो हमारे चावल जो है ना रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। सो ये मैंने यहाँ पर चावलों को डिश आउट कर दिया है। चले तो हम चिकन मंचूरियन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर चिकन ले लेंगे 150 ग्राम और सॉल्ट ले लेंगे 1/4 टेबल स्पून एंड ब्लैक पेपर 1/4 टेबल स्पून और इसमें विनेगर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसको जो है ना इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 1-2 टेबल स्पून और फिर इसको हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। आफ्टर 15 मिनट के बाद हम इसमें जो है ना 3-4 टेबल स्पून जो है ऑल पर्पस फ्लोर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ऑयल मैंने गरम कर लिया, यहाँ पे मैं ऑयल के अंदर जो है ना पीस इसके डाल रही हूँ मीडियम फ्लेम पे। तो इसको अच्छे से ब्राउन करके एक प्लेट में निकाल लीजिए चिकन को जो हमने ब्राउन कर लिया। ये यहाँ पर मैंने निकाल लिए चिकन। फिर यहाँ पर मैंने ले लिए कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून एंड वाटर ले लिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गिठलियाँ नहीं बने, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसको हम साइड पे रख देंगे और यहाँ पैन में हम लोग ले लेंगे ऑयल और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल देंगे। फिर इसी में हम ऑनियन जो है ना 1-2 कप ऑनियन डाल देंगे और इसी में जो हम शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और चिली सॉस जो है हम लोग 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे एंड ब्लैक पेपर जो है ना 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। देन केचप भी हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच और केचप आप इतना डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, जितना आपको पसंद हो। मतलब केचप अगर ज़्यादा डालें जिसको मीठा पसंद हो तो डालिएगा, वरना केचप जो है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तकरीबन डाल दिया था। इसमें आपने वाटर ऐड कर दें और उसको जो है ना बॉयल आने तक पकाएं और जब थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर इसके अंदर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर का जो मैंने बनाया था ना वो इसमें डाल दूँगी बैटर, उससे इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी। और बॉयल आने दूंगी थोड़ा सा, 1-2 मिनट तक बॉयल आएगा, फिर इसके अंदर जो हमने चिकन अपनी फ्राई की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी।
यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर दी और इसको 1-2 मिनट तक पका लें ताकि बॉयल आ जाए। फिर इसमें हम लोग ब्लैक पेपर, यहाँ ऊपर मैं डाल रही हूँ, इसमें ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दी। और यहाँ पर मैं जी, तो यहाँ पे हमारा चिकन मंचूरियन रेडी हो गया है और मैंने इसको डिश आउट कर दिया। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करिए और अपना बहुत